एक बार दिला दे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस एडिट करना सिखाने वाला हूँ ये जो स्टेटस है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है मुझे दो तीन भाइयों ने काफी ज्यादा कमेंट किया और इस वीडियो को भी सेंड किया तो मैं फाइनली इस पर स्टेटस बना रहा हूँ वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि मेरे घर पर काम चल रहा है तो मुझे टाइम नहीं मिलता है वेरी सॉरी मैं कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाने की तो अभी तक तो ऐसे चलेगा तो आज मैं आपको इस तरह का स्टेटस एडिट करना सिखाने वाला हूँ आप कैसे एडिट करेंगे कंप्लीट आपको सिखा दूंगा यहाँ पर आपने दो स्टाइल में देखा होगा मैंने फोटो का भी यूज़ किया और वीडियो क्लिप का भी यूज़ किया जितने भी वीडियो क्लिप और फोटो मैं यूज़ करने वाला हूँ टोटल मैं आपको दे दूंगा आप डाउनलोड कर लेना लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जो प्रोजेक्ट है वो आपको दोनों स्टाइल में मिल जाएंगे एक्सएमएल प्रोजेक्ट भी आपको दे दूंगा जो नॉर्मल प्रोजेक्ट है वो भी आपको मिल जाएगा आप क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है अगर आपके पास नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ओपन करने पर इस तरह का पेज आ जाएगा प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बीट का प्रोजेक्ट जो मिल जाएगा उसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना क्योंकि कुछ आपके सामने इस तरीके से मिल जाएगा इसके अंदर मैं सारे वीडियो क्लिप को एड करके आपको दिखाने वाला हूँ सेम उसी तरीके से आप फोटो को ऐड करके भी स्टेटस एडिट कर सकते हैं आप अपने फोटो को भी ऐड कर सकते हैं आप जो चाहते हैं वो फोटो ऐड करके बना सकते हैं आपको फर्स्ट वाली बीट पे आ जाना है मैंने अपना लोगो ऐड करके तो यहाँ पर इसको आप हटा देना और जो भी आपका लोगो है वो यहाँ पर ऐड कर देना कैसे बनाया जाता है पूरी प्ले मैंने बना रखी आप यूट्यूब पर भी जाकर सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी आप फर्स्ट वाली बीट पर जाएंगे प्लस पर क्लिक करके आपको वहाँ पर मीडिया पर क्लिक ना सबसे पहले जो एक वीडियो क्लिप आपको देने वाला हूं उस वीडियो क्लिप को आप यहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा उसको आपको यहां पर ऐड करना है आप प्लस पर क्लिक करेंगे मीडिया पर आपको क्लिक ना सबसे पहले आप वीडियो क्लिप को यहां पर आपको सेलेक्ट करके ऐड करना है जो कि आपको कुछ इस तरीके से वीडियो क्लिप मिल जाएगा ये वीडियो क्लिप इस बीट के बराबर आना चाहिए आपको पहले से मिल जाएगा अगर इसके अंदर कोई साउंड होता है तो इसकी आवाज को आपको बंद कर देना ठीक है उसके बाद आपको फर्स्ट सेकंड जो बीट है इस पर आपको आ जाना है प्लस पर क्लिक करके आपको मीडिया पर क्लिक ना जितने भी वीडियो क्लिप मैं यूज करने वाला हूँ टोटल आपको दे दूंगा अगर आपके पास कोई अदर वीडियो क्लिप है तो वो आप अपने हिसाब से ऐड करके यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो मैं यूज करने वाला हूँ वो आपको बाय डिफॉल्ट में दे दूंगा यहाँ पर आपको क्या करना है वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है वीडियो पर क्लिकना है इसको फालतू को हटा देना है एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर जितने भी वीडियो क्लिप आपको देने वाला हूँ सभी में आपको गाना मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है सभी वीडियो क्लिप की जो आवाज है वो आपको बंद कर देनी है वापस प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके आपको दूसरे वीडियो क्लिप को करना है अगर आप आगे से भी रखना चाहते हैं वहाँ से आपको रख लेना सेकंड बीट पर भी जाना वीडियो क्लिप पर क्लिक करना फालतू को हटा देना इसके बाद भी आप बंद करेंगे वापस प्लस पर क्लिक करके आपको मीडिया पर क्लिक करके तीसरे वीडियो क्लिप को ऐड करना है और इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सा आप आगे से यूज़ करेंगे और यहाँ जाएंगे आगे यहाँ से आपको वीडियो क्लिप को लेना है और वीडियो क्लिप पर क्लिक करना फालतू को यहाँ से आप आगे से हटा देंगे उसके बाद आपको आपको यहाँ पर जो थर्ड बीट है इस पर आपको चले जाना है वीडियो क्लिप पर आप क्लिक करेंगे जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना तो वीडियो क्लिप आपका यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद अगली बीट पर जाएंगे वीडियो क्लिप पर क्लिक ना यहाँ से आपको फालतू को हटा देना है और इसकी आवाज़ भी बंद करेंगे वापस आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक चौथे वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है इसकी आवाज़ भी आप बंद कर लेंगे यहाँ से उसके बाद अगली बीट पे जाएंगे आगे आएंगे और यहाँ से इसको भी फालतू को हटा देंगे वापस प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर दूसरे वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है अगली बीट पर जाना है वीडियो क्लिप पर क्लिक देना है इसको फालतू को हटा देना और आवाज़ को आप यहाँ से बंद कर लेंगे ओके उसके बाद एक वीडियो क्लिप आपको और ऐड करना होगा लास्ट में यहाँ पर आपको वापस लास्ट वाली बीट पर जाएंगे प्लस पर क्लिक करके आपको मीडिया पर क्लिक ना है यहाँ पर जहाँ पर भी आपका वीडियो क्लिप है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है वीडियो क्लिप पर क्लिकना है और यहाँ से इसको फालतू को हटा देना है और इसके अंदर कोई साउंड होता तो आप इसकी आवाज़ को बंद करेंगे आपको क्या करना है इस वीडियो क्लिप को उठा ये जो आपको दो सैप मिलेगी इन दोनों सेप के आपको नीचे ले लेना है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर ये इफेक्ट है ये काफ़ी देखने में और लगेगी ठीक है देखिए हमारे सारे वीडियो क्लिप हमने स्टेप बाय स्टेप ऐड कर दी बट इनमें आपको इफेक्ट यूज करनी होगी आप यहाँ से बाहर आएंगे आप आपको सैक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिसमें आपको इस तरह से लाइन मिल जाएगी नीचे आपको एक फोटो मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है लाइन पर, पर क्लिक आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ से आपको बाहर आ जाना बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे उसके बाद आपको फर्स्ट वाली वीडियो क्लिप पर आपको चले जाना है यहाँ से इस 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 वीडियो क्लिप को छोड़ने के बाद दूसरी वीडियो क्लिप पर आप जाएंगे और इस पर आप उस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे यानी कि अब जितने भी वीडियो क्लिप हमने यहाँ पर ऐड कर गए टोटल वीडियो क्लिप पर आप इसी इफेक्ट को क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे आपको करना क्या है इफेक्ट को पेस्ट कर देना और ये जो नीचे वीडियो क्लिप है इस पर भी आप इसी इफेक्ट को पेस्ट करेंगे उसके बाद जस्ट आपको यहाँ से बाहर आ जाना है वापस आपको सैड इफेक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन करना है इन दोनों लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे बीच में क्लिक करना है कॉपी टू लेयर पे क्लिक करना यहाँ से आपको बाहर आ जाना है बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आपको जो सेकंड uh, वाली बीट है फर्स्ट वाली इस पर आप जाएंगे उसके बाद आपको बीच में क्लिक है और आपको पेस्ट टू लेयर पे क्लिक कर देना है यहाँ पर दो लेयर पेस्ट हो जाएगी इन दोनों लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट में आपको चले जाना है जस्ट आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इनके साइज लास्ट तक हो जाएगी और आपका जो स्ट्रेस है वो पूरा कंप्लीट एडिट हो चुका है सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिकना है वीडियो को सिलेक्ट कर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक ना है अब मैं आपको बता दूँगा कि आप फोटो को कैसे ऐड करेंगे देखिए यहाँ पर जो वीडियो क्लिप मैंने यूज किए सबसे पहले मैं उन सारे वीडियो क्लिप को डिलीट कर देता हूँ ओके फाइनली सारे वीडियो क्लिप को डिलीट कर दिया इस वीडियो क्लिप को मैंने रख लिया उसके बाद आपको वापस सेकंड वाली वीडियो पे जाना प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है यहाँ पर जो फोटो मैं यूज करने वाला हूँ वो आपको दे दूंगा जो फोटो यहाँ पर मैंने यूज किया उन सभी फोटो की साइज मैंने नाइन इंटू सोलह में रखी इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपको फोटो को करना है यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना फोटो को हटा देना फोटो क्लिक करके आगे आएंगे वापस प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके दूसरे फोटो को करना है अगली बिट पे जाना नेक्स्ट यहाँ से आपको फालतू फोटो को हटा देना वापस प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर तीसरे फोटो को सेलेक्ट करना अगली बिट पे जाना है और अगर आप फोटो की साइज़ कम होती है तो यहाँ पर आप क्लिक करके फिक्स हो जाएगी वापस प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक दूसरे फोटो को सेलेक्ट करना और नेक्स्ट बिट पे जाना फालतू फोटो को हटा देना वापस फोटो को क्लिक करके आगे आना प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके दूसरे फोटो को आप सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट बिट पर जाएंगे फालतू फोटो को हटा देंगे वापस प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना और जो भी फोटो लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए फोटो साइज कम है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और इस फोटो को उठाकर इन दोनों सेप के आपको जस्ट नीचे ले लेना है उसके बाद यहाँ से आपको बाहर आ जाना है आपको साइड इफेक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद जो नीचे फोटो है इस पर आप क्लिक करेंगे इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है थ्री लाइन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करेंगे यहाँ से आपको बाहर आ जाना है और बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करने है ओपन करने के बाद जितने भी हमने फोटो यहाँ पर ऐड किए टोटल फोटो पर आप इसी इफेक्ट को पेस्ट करेंगे तो ये जो आपका स्टेटस है वो काफी औसम awesome लगेगा यहां पर कंप्लीट एडिट हो चुका है यहां पर आपको जितने भी फोटो हमने ऐड किए टोटल पर आप इसी इफेक्ट को पेस्ट करेंगे ओके पेस्ट करने के बाद यहाँ सब को बाहर आ जाना है उसके बाद आप वापस आप बीट के जो सॉरी साइक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसको आप ओपन करेंगे यहां पर आपको दो सी सी इफेक्ट मिलेगा इनको आप बीच में क्लिक कॉपी टू लेयर पर क्लिक करना है उसके बाद यहां से आपको बाहर आ जाना है वापस आपको बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करना फर्स्ट वाले बीट पर आएंगे बीच में क्लिक करेंगे पेस्ट टू लेयर पर क्लिक क्लिकना इन दोनों लाइन को आप सिलेक्ट करिए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ओके आ, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जाएंगे और जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके दोनों स्टाइल के अंदर आपका स्टेटस कंप्लीट एडिट हो चुका है सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है वीडियो को सिलेक्ट करें इसको भी एक्सपोर्ट पर क्लिक देना कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कॉमेंट करके बता